हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और अभी मैं यहीं पर CMR मार्केट में हूँ, क्योंकि आज फिर से आए थे। तो अभी यहाँ देख रहे हैं आयान के लिए सैंडल, क्योंकि ये जो स्लीपर पहनता है उनको कहीं भी छोड़ देता है। और सैंडल इसकी सारी छोटी हो गई थी, तो मम्मी कह रही थी इसके लिए बड़ी सैंडल ले लो। और कल रात हो गई थी काफ़ी, तो नंदनी के लिए मम्मी कुछ नहीं ले पाई थी, तो अभी ये वो जीन्स टॉप देख रही है अपने लिए नंदनी। दबाव चिल्लाते नहीं है प्यार कर रहे हो? कैसे ऐसे प्यार कर रहे हो? और वहाँ से आने के बाद मैं आ गई हूँ सीधे किचन में, क्योंकि मैं सब्जी बना के रख गई थी, आटा भी लगा के रख गई थी। बस मुझे रोटी सेकनी थी और चावल रखने थे। और खाने का टाइम भी हो गया, हम लोग जल्दी लौट आए, भी 2 बजे हुए हैं और खाने का टाइम है, तो मैं जल्दी जल्दी सेकती जाऊँगी, नंदनी खाना लगा देगी। तो बस अभी मैं सेक रही हूँ रोटियाँ, इसको भी भूख लगी है। ये तो खैर देख ना पाओ तो कच्चा आटा भी खा लेता है, तो इसलिए आटा इससे भूल रखना होता है। और यहाँ पर मैं मम्मी के लिए लेके आई थी कंगन, जो ये एनिवर्सरी पे लेके आए थे मेरे लिए। तो मैंने सारे चेक करा लिए, लेकिन मम्मी को आ नहीं रहे थे, क्योंकि ये थोड़े से छोटे हो रहे थे, मम्मी थोड़े से बड़े पहनती हैं, तो उनको किस इसमें से कोई भी नहीं आए। मैं सोच रही थी कि मम्मी को पहना दूँ। फ्रेंड्स, ये है कल की खरीदारी। अभी कल हम लोग नहीं दिखा पाए थे, क्योंकि कल आने में बहुत लेट हो गया था, 11 बजे थे हम, खाना वाना खा के आए थे बाहर से। तो मैंने कहा चलिए अभी दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये है मम्मी की साड़ी, ये देखिए कलर उसमें थोड़ा सा डिम दिखाई दे रहा है, उसमें थोड़ा सा कैमरे में लाइट कलर दिखेगा, क्योंकि लाइट का असर पड़ जाता है। काफ़ी लाइट वेट साड़ी है, बस इसमें कढ़ाई का वर्क है, जो लाइट वेट में अच्छी साड़ी आती है वैसी ही है, क्योंकि मम्मी को बॉर्डर वाली और जो कॉटन वगैरह की आती हैं तो वो नहीं संभाल पाती, पहनने में दिक्कत होती है, तो उनको इसी टाइप में चाहिए थी, सीफॉन टाइप में, पतले कपड़े में जो आराम से पहने। और ये है दूसरी साड़ी, ये कलर भी मम्मी को काफ़ी पसंद आया था, क्योंकि मम्मी लाइट कलर ही पहनती हैं, तो इसलिए इस तरह के कलर लिए हैं। इसमें भी पूरे में कढ़ाई वर्क हो रहा है, ये देखिए इस तरीके से, ये 2 कलर की है ऐसे। सही कह रही, उल्टी दिखा दी ऐसे। पापा जी के कपड़े, पैंट और शर्ट, बट यही है, पापा ने ना अपनी पसंद से लिए हैं, अपनी पसंद से लिए हैं, जो मैं दिलवाना चाह रहा था वाले दिलवा तो वो उन्होंने कैंसिल कर दिया, नहीं हमको ये नहीं चाहिए, तुम्हारी पसंद थी, हमको अपने सिंपल चाहिए। तो ये पापा जी, ठीक है, सिंपल में ये मेरे को अच्छा लगा फिर। हाँ। तो सिंपल में फिर मैंने ये पसंद किया। ये पापा जी की शर्ट है, ये शर्ट है, और ये पैंट है, फॉर्मल पैंट है। ये एक क्लिप लाई हूँ मैं मम्मी के लिए, ये देखिए मम्मी इसी तरह की बालों में लगाती है, तो ऐसे ही लेके आई हूँ मैं नग वाली, ये छोटे छोटे नग की। हम लोग जो आज गए थे तो वो खरीदारी ये है, क्योंकि कल बहुत हो गया था लेट, हमें काफी रात हो गई थी आने में, मम्मी कल ही बोल रही थी, लेकिन हम कल नहीं ले पाए थे क्योंकि रात होती जा रही थी, इसलिए आज हम दोबारा गए थे। तो इसमें है ये अयान की सैंडल, और थोड़े बड़े साइज की लाई हूँ, क्योंकि इसकी पिछली वाली सैंडल सारी की सारी छोटी हो गई। हाँ, दोनों लोगों का काम चल जाएगा, इसलिए मैं बड़ी ले आई हूँ थोड़ी सी। ये है नंदनी के कपड़े, जो कि मम्मी लेके आई है, जिसमें ये है टॉप, ये इस तरीके से है, ये डबल वाला ऐसे टॉप है, अंदर से टी शर्ट है और ये ऐसे टॉप है, और इसके साथ है जीन्स। नंदनी से बोला था सूट ले ले या फिर जीन्स टॉप ले ले, लेकिन वो ज्यादातर जीन्स टॉप ही पहनती है, इसलिए वो जीन्स टॉप लेके आई। और ये सब अब मैं तय करवा दे रही हूँ, क्योंकि रात में मम्मी की ट्रेन भी है, तो मम्मी को अभी पैकिंग वगैरह भी करनी है सारी, तो बस मैं वही कर रही थी। और ये पहले से ही बैग में लेट गया है, कह रहा है मुझे भी पैक कर लो साथ में, अपने आप लेट गया है, सामान हटा के देखिए कह रहा है बंद कर दो और मुझे इसमें पैक कर लो इसी बैग के अंदर। हम भी चलेंगे, बैग में पैक हो जाएंगे। हाँ, दोनों हो जाएंगे, इधर भी जगह है, इधर आप पापा जाएंगे।
और अभी मैं जा रही हूँ खाने की तैयारी करने, तो रास्ते के लिए जो खाना बनाना है वो मैं पहले ही बना लूँगी। तो आज मम्मी चली जाएंगी तो घर एकदम सूना हो जाएगा। अभी तक घर इतना भरा भरा लग रहा था, मतलब टाइम का पता ही नहीं चलता था, ऐसे बातें बातें करते पूरा टाइम निकल जाता था, दिन निकल जाता था। घूमने जाते थे रोज़ तो अच्छा लगता था। तो यहाँ मैं पूड़ी का आटा लगा रही थी तो उसमें मैंने थोड़ी सी हींग डाली है, क्योंकि हींग पेट के लिए ठीक रहती है। तो मम्मी ने थोड़ी सी इसमें हींग डलवाई है आटे में, और अजवाइन नमक तो मैं डाल ही देती थी, तो वो सारी चीज़ें डाल के मैं यहाँ पर आटा लगा दे रही हूँ पूड़ी का, क्योंकि मम्मी रास्ते का कुछ बाहर का खाती नहीं है। तो बस यहाँ पर मैं सेक ले रही हूँ पूड़ियाँ, क्योंकि टाइम का पता नहीं चलता है, तो ये सब मैं करके पहले रख देती हूँ। और बाकी की जो सूखे सामान होते हैं खाने पीने की चीज़ें, वो सब ये अभी बाहर गए हैं लेने, मास्क वगैरह खाने पीने की चीज़ें और फल वगैरह जैसे सेब वगैरह रास्ते में खा सकते हैं, तो ये सब चीज़ें ये सूखी ले आएंगे और बाकी का खाना हो जाएगा। तो बस हो जाएगा ये सब। और साथ में मैंने यहाँ कुकर में रख दे रही हूँ आलू बॉयल होने के लिए, तो पूड़ी के संग में सूखी सब्जी बना दूँगी और थोड़ी सी घर के लिए हो जाएगी, इसलिए खट्टा रख लिया है मैंने। और पूड़ी वगैरह बनाने के बाद साथ ही साथ मैंने चाय भी बना ली है, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है चाय का ही, और यहीं बैठ के हम सब लोग साथ में ही चाय पिया करते थे, लेकिन आज के बाद तो अकेले ही पीना होगा यहाँ पे। और वैसे मम्मी अभी और रुक जाती, लेकिन जो मामा जी हैं उनके यहाँ पर कुछ काम है, कुछ कार्यक्रम है, तो वहाँ पर मम्मी को पहुँचना है, इसलिए मम्मी को और जल्दी है, क्योंकि ये कह रही थी हमें टेंशन है वहाँ जाने की भी, तो इसलिए मम्मी को जल्दी जाना है, वरना तो मम्मी अभी रुक जाती थोड़े दिन। तो ये आलू की सूखी सब्जी मैंने रास्ते के लिए बना दी है, और बाकी के घर के खाने के लिए वैसे भी आलू टमाटर सबको पसंद ही है, तो मैं इसी कढ़ाई में आलू टमाटर भी छौंक दे रही हूँ, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, तो फिर मम्मी बोली कि आलू टमाटर बना दो, साथ में रोटी और चावल बना दूँगी, तो ये घर से खाने के लिए हो जाएगा सबके लिए। तो बस खाना वगैरह बनाने के बाद मैं आ गई हूँ संध्या करने के लिए। अभी मैंने कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए, क्योंकि सुबह से वही पहने हुई थी, मार्केट भी हो आई थी। आप लोग कह रहे थे आप पूजा करते टाइम चेंज नहीं करती हैं क्या, तो कभी कभी कर लेती हूँ, कभी कभी नहीं करती हूँ। और ये सारा सामान अभी ये मार्केट से लेके आए हैं, नमकीन बिस्किट वगैरह ये सारे, तो ये सब मैं साथ में पैक कर दे रही हूँ, तो रास्ते में जैसे इनको भी खा सकते हैं चाय वगैरह के साथ में। तो बस ये पैक कर दिया, और साथ में ये फल भी पैक कर दूँगी, तो ये तो ऐसी चीज़ है कि आप खा सकते हो अगर खाना खाने का मन नहीं है तो, इसलिए। और साथ में मैं जा रही हूँ खाना भी पैक कर देती हूँ। तो पैकिंग वगैरह तो मम्मी की सारी हो गई है, अभी किसी ने खाना नहीं खाया है, क्योंकि रात के 10 बजे की ट्रेन है, तो अभी टाइम भी है, तो किसी का खाने का मन भी नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा हल्का हल्का सब लोग अभी साथ में खा लेंगे, तो मम्मी का भी मन नहीं कर रहा था, तो वो कहीं थी थोड़ा सा सब्जी चावल बस ले लेंगी, तो बस सबको थोड़ा ही थोड़ा सा मैं लगा दे रही हूँ यहाँ पे खाना। और उसके बाद यहाँ देख रही थी कि मतलब मास्क वगैरह सारी चीज़ें ज़रूरी रख ली हैं, कुछ रह तो नहीं गया, तो वही सब मम्मी चेक कर रही थी। और ये जा रहे हैं गाड़ी में सामान रखने के लिए। खाना वाना बनाने के बाद हमारा मन नहीं लग रहा था, तो कुछ दूर हम लोग पैदल भी घूमने चले गए थे बाहर, वो वीडियो नहीं बनाया था मैंने, ऐसे ही पैदल पैदल गए थे घूमने। और सब लोग जा रहे हैं मम्मी को स्टेशन छोड़ने, रात का टाइम हो गया है, और लौट के आएंगे तो पूरा घर खाली मिलेगा, क्योंकि जब हम लोग लेने गए थे स्टेशन तो बहुत अच्छा लग रहा था, और टाइम पता ही नहीं चला, इतने देर घूमने फिरने में ही निकल गए, बिल्कुल भी समय का पता नहीं चला, और आज पूरा घर सूना हो जाएगा, सब लोग शांत हो गए हैं। लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं, ये देखिए 9:18 हो रहे हैं, और 10 बजे की ट्रेन है, तो हम लोग टाइम से ही पहुंच गए हैं, क्योंकि जल्दी निकल आए थे कि ट्रेन वगैरह के लिए जल्दी निकल आओ तो ठीक रहता है, रास्ते में कितना टाइम लग जाता है पता नहीं होता है ना, इसलिए।
तो बस ये देखिए हम लोग जा रहे हैं स्टेशन के अंदर, और ट्रेन आधे घंटे पहले ही लग जाती है क्योंकि यहीं से जाना है इसको, तो ट्रेन पहले से ही आ चुकी है। तो सामान रख के हम लोग ट्रेन के अंदर ही बैठेंगे कुछ देर जब तक ट्रेन नहीं जा रही है। तो बस ये है मम्मी पापा की सीट, इसी में बैठ के जाना है। अयान को बहुत दुख हो रहा था, वो बहुत इमोशनल हो गया था, उसे लग रहा था कि मैं भी साथ में ही जा रहा हूँ, तो इसीलिए वो बहुत रो रहा था। सब लोग ही इमोशनल हो गए थे क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था, मम्मी पापा आ गए थे तो घर का माहौल भी काफ़ी अच्छा हो जाता है, मतलब खुशहाल हो जाता है, सारी चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। लेकिन अब फिर वही चीज़ वही सब कुछ, घर में शांति कुछ नहीं, ऐसे ही हो जाएगा। तो और ट्रेन चलने से पहले ही हम लोग नीचे उतर आए हैं क्योंकि अयान फिर जिद करने लगता, फिर उतरने में टाइम भी लग जाता हमें, तो बस हम लोग बाय करके, वो रोता जा रहा है, उसका जाने का मन नहीं कर रहा है, और गाड़ी में आके भी बहुत रो रहा था कि मुझे भी जाना है। आने वाले हैं देखो, कह रहे हैं ठीक है, हम लोग कार में बैठ गए हैं। वो रोते रोते अपना मूड सही करने के लिए कह रहा पापा गाने चला दो। क्यों गाने चलाते हैं? सुनना है पापा का मन नहीं सुनने का बेटा। और बस अब हम लोग चलते हैं लौट के घर, वापस जाएंगे, और यहीं पर मैं इस वीडियो को अब एंड करूंगी। मिलूंगी आप लोगों से फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। ये देखिए घर खाली देख के बड़ा उदास हो रहा है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय।